नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देश में जिस बात को लेकर चर्चा थी, वो चर्चा सदन में भी हुई, लेकिन जिस बात को लेकर आंदोलन किया गया, बिहार सहित देश में कई जगह से आवाज उठने लगे थे, उस आवाज के बावजूद भी अब सरकार उस पर राजी नहीं हुई है। हम बात जातिगत जनगणना की कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पत्र भी लिखा था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पर एग्रेसिव थे। आपको बता दें, बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दल इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही थी। अब ऐसी स्थिति में सरकार ने इस पर चर्चा तो की है, ओबीसी सूची बनाने की मांग की है और ओबीसी सूची बनाने का प्रावधान भी बना दिया है। संविधान के संशोधन 127 के अनुसार ओबीसी संशोधन विधेयक पास कराया गया है राज्यसभा लोकसभा से, और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कोई भी जातिगत आंकड़े जारी नहीं होंगे। यानी सरकार ने विपक्षी दलों के दबाव में आकर बात तो मानी है, लेकिन अधूरी रह गई। सारी बातें अधूरी रह गई और सरकार ने कह दिया कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जाएगा और ना ही 2021 में जातिगत जनगणना को लेकर किसी तरह की बात की जाएगी। अब आपको बता देते हैं, लगातार इस मामले की जो चर्चा चल रही थी, इस चर्चा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। सभी लोग ने देश के सभी उन मुद्दों पर बातचीत की है और आने वाले दिनों में सदन का सत्र कैसे चलाया जाना चाहिए इसको लेकर बैठक भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने लगातार दबाव में आकर इस तरह का जो विधेयक पारित किया है और अधूरा विधेयक पारित कर दिया, अगर इसको मानकर चले तो। जब जातिगत जनगणना होगी ही नहीं तो इस तरह के विधेयक पारित करने से क्या फायदा होगा? कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को शांत कराने के लिए इस तरह की विधेयक को पारित करा लिया गया है। जदयू के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात को लेकर सदन में आवाज उठाई और सीधे तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर जो बिहार में घमासान मचा हुआ, कहीं ना कहीं उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखना ही होगा कि क्या कुछ बिहार सहित देश की राजनीति से निकलकर सामने आती है, क्योंकि बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है और ये बड़ा झटका है बिहार में लालू प्रसाद यादव सहित तमाम विपक्षी दलों का और बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दलों का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।